जन्मादस्य यतोनुदित चार्थे सुभिग्ग स्वराट। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, अब तक जो किया क्या वो सही है। इन प्रश्नों से रोज एक बार रूबरू हो, पूछो अपने से रात को सोते समय, क्योंकि नौमन लकड़ी और चिता इंतजार कर रही है किसी भी दिन। काशी में जाओगे तो रात रात भर खुला रहता है, एक जगह एक दो तीन दुकान ऐसी हैं, एक भांग की दुकान और एक वो बनाते हैं गिलास में क्या उसको मिश्रांबू का, और एक वो वाला हरे हरे बांस, खूब सुंदर चुनरी, पता नहीं रात ही में किसको निकलना हो, डोली उठ जाए किसकी, रात भर खुली रहती। तो अब तो सोचो विचार करो कि मैं जिस पथ पर चल रहा था उस पथ पर चलने से क्या मुझे संपूर्णता का एहसास हुआ, आनंद मिला, प्रेम मिला। कैसे जिद्दी हो भाई, 40-50 साल गुजार दिए, या तो भगवान झूठा है या फिर तुम्हारा उनकी तरफ चलना झूठा है, दोनों में से एक तो गड़बड़ है। क्यों नहीं विचार करते, या तो तुम जिस पथ पर जिस तरीके से चल रहे हो वहां खोट है, या तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं, बेकार है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। लेकिन तुम विचार भी नहीं करते, रोते रहते रोज, मुझे ये कमी, मुझे ये कमी, मुझे ये कमी, इसने ऐसे बोल दिया, मेरा ये हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, मेरे को कोई मानता ही नहीं, मैं घर में बेकार हो गया, मैं जब तक कमाता था तब तक मेरी पूछ थी, अब हमारी पूछ ही नहीं है, हमारी पूछ यहां से वहां तक, बताओ एक कप चाय के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पूछा ही नहीं रहा। हनुमान जी अपने हृदय में आगे राम सीता और लक्ष्मण को रखते हैं, पूछ उनके पीछे पड़ी हुई है, तुम पूछ आगे रखे हुए हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में तुमको कोई पूछता नहीं है। तुम भी सामने राम रखो, हृदय में राम रखो, ये पूछ पीछे पड़ी रहेगी, पूछ आगे नहीं रहती, पूछ पीछे रहती। हनुमान जी की पूछ पीछे है, सीने में राम है, तुम्हारे सीने में ही पूछ अटक गया है। हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई पूछता नहीं है, हमको सास नहीं पूछती, हमको बहू नहीं पूछती, हमको मौसी नहीं पूछी, हमको नेताजी नहीं पूछे, हमको डॉक्टर साहब नहीं पूछे, बताओ एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछे, पूछ 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 पूछ, कितनी लंबी पूछ चाहिए तुमको। और लंबी पूछ तो केवल भक्त के पास होती है, हनुमान जी के पास होती है, उस पूछ का कोई दायरा नहीं। लंका का सारा कपड़ा वस्त्र सारे घी और तेल समाप्त हो गए, फिर भी केवल आगे का भाग बंध पाए, पूंछ अभी भी नंगा था। हनुमान जी बोले और नहीं है क्या, आप लोग के यहां बढ़िया से मेहमानों का सेवा नहीं करते, पूंछ का कपड़ा नहीं दे पा रहे, कितनी बड़ी पूंछ हनुमान जी की, क्योंकि उनके जीवन में अहंकार नहीं है। हनुमान जी जब चले तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो 10 किलोमीटर भी नहीं उड़ सकते थे बंदर, उनको प्रणाम किया। सुंदर कांड में लिखा है हनुमान जी ने चलते समय एक एक बानर भालुओं को प्रणाम किया, क्या आप आशीर्वाद दीजिएगा, आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा, प्रभु का काम आपके आशीर्वाद से। कौन है माई का लाल जो अपने से छोटों को, जब उनको पता है कि हम ही जा रहे हैं, हमारा चुनाव हुआ है, जामवंत भी हार गए, अंगद भी नहीं जा पा रहा, करोड़ों बंदर खड़े, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं जा रहा हूं, मूंछ ऐसे करके सबको कहते हैं, सब इंतजार करना, आ रहा हूं, बम पटाखा खरीद के रखना। एक एक को प्रणाम किया। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया है, अभिमान को मिटाया है, इसीलिए राम उनके भीतर पूर्णतः उतर गए हैं। जहां अभिमान मिटा वहां राम की कृपा उतरती है।